आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल है वो चुनावी होने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव की शुरुआत होने वाली है। जल्द ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर देगा और उसके बाद निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से निकाय चुनाव 24 के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रणनीति है, वो बड़े रणनीतिक स्तर पर बनाई जा रही है, युद्ध स्तर पर बनाई जा रही। कारण क्या है? पर निश्चित रूप से अगर हम देखा जाए तो केंद्र की कुर्सी का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उस रास्ते पर अपनी कब्जा जमाने के लिए, अपनी बादशाहत कायम करने के लिए यहाँ पर 24 चुनाव को महत्वपूर्ण देखा जाता है उत्तर प्रदेश की निगाह से। और दूसरी तरफ यहाँ पर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और निकाय चुनाव में भी सभी पार्टियाँ अपना अपना दमखम यहाँ पर परखेंगी। और इसके लिए शुरुआत भी हो गई है, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक निकाली जाएगी, जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने बजरंग खाबरी के नेतृत्व में निकलेगी, 75 जनपदों से होकर जाएगी, इसकी शुरुआत भी हो गई है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण और बात है कि यहाँ पर 26 जनवरी के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू होगा, युवाओं और महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए। और प्रियंका गांधी स्वयं महिला कमान को संभालेंगी, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और यहाँ पर खतौली और साथ ही साथ मैनपुरी में जो हार हुई है उस पर मंथन भी जारी है और निकाय चुनाव के लिए किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, परखा जाए और फिर प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर भी चर्चा लगातार जारी है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बयान भी, जो कि हमेशा बयानों से चर्चा बने रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अब 10 साल तक सत्ता का इंतजार करते रहे, 10 साल तक उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो अपने चाचा से मिलाप कर ले, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जो फिलहाल स्थिति है वो 10 साल तक सत्ता में आने की ना ही सोचे। खैर, ओम प्रकाश राजभर पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी तमाम तरह के वो बयान देते रहते हैं और इन्हीं बयानों के चलते उनका सामंजस्य बैठ नहीं पाता। पहले बीजेपी के साथ दिया, उसके बाद वहाँ से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, 22 का चुनाव गलवें गलवैयाँ डाल के और पूरा प्रचार किया गया। जब परिणाम आए तो परिणाम के बाद स्थिति खराब हुई और अखिलेश यादव को एसी में ना बैठकर धरातल उतरने की सलाह देते रहे और सलाह देते देते इतनी तलखी बढ़ी कि बाद में अलग हो गए। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय भी है और जिस तरह से हमने देखा है यहाँ पर कि चर्चा बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जो परिणाम आए हैं वो आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है सभी पार्टियों के लिए। समाजवादी पार्टी, जिसने मैनपुरी और खतौली जीत के दिखा दिया कि अगर आप बेहतर काम करते हैं, रणनीति बनाते हैं और सत्ता पक्ष के साथ दो दो हाथ करने का मादा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी जनता जनाधार देती है। और अगर मैनपुरी की बात करें तो परंपरागत सीट रही है मुलायम सिंह यादव के परिवार की। मुलायम सिंह यादव अभी हाल में निधन हुआ तो उसके बाद सीट खाली हुई थी, उनकी बहू और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव वहाँ चुनाव जीत कराई और ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दर्ज की। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खतौली सीट का है, जहाँ पर अभी मार्च में ही परिणाम आए थे, वहाँ विक्रम सैनी जीत कर आए थे, महज 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी खतौली हार गई? फिलहाल कुछ बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं, नाराजगी होती तो मान भी जाते, लेकिन नफरत करते हैं। और उनके जो रवैये रहे हैं उससे पूरा प्रदेश अवगत हो चुका है। हम तो कह रहे हैं कि अभी 10 साल तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। चाचा भतीजा क्यों आए? चाचा भतीजा ये आए कि जनता की ताकत के कारण आए। जब आजमगढ़ और रामपुर की उनकी सियासत ध्वस्त हो गई, मैनपुरी अंतिम किला बचा हुआ था, तो ये डर करके एक हुए हैं। और आप ये भी, आप मैनपुरी की जीत उनकी जीत नहीं है, वो मुलायम सिंह जी की, लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, वो उनके नेता थे, उनके प्रिय नेता थे, इसलिए उन्होंने उनसे श्रद्धांजलि मांगा, लोगों ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में वोट दिया। उन्होंने कभी यह नहीं मांगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, लोगों ने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी तो उसको उन्होंने दिया। तो एकता है, एकता बनी रहे, ये बहुत खुशी की बात है। देश और प्रदेश में फैली नफरत को खत्म करने के इरादे से ये प्रदेश में यात्रा निकाली गई है और यह यात्रा जाकर के भारत जोड़ो
जो देश की यात्रा है उसमें शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, लड़ाई है, कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करेगी। अब महत्वपूर्ण चर्चा का विषय, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे, सपार हुसैन भाई नेता भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप तिवारी भाई अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे और दयाराम भाई सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा का विषय बहुत अहम है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आगामी चुनाव को देखते हुए 13 दिसंबर के बाद भी जो बड़े निकाय हैं वहाँ पर दौरे करेंगे और वहाँ पर जमकर रणनीति बनाएंगे और जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले नितिन सिंह यादव, नितिन भाई यहाँ पर जो परिणाम आए मैनपुरी और खतौली, मैनपुरी परिणाम तो खैर कहा जा रहा था, कयास तो हालांकि बहुत लगाए जा रहे थे, बीजेपी कह रही थी हम जीत कर आ रहे हैं, पर निश्चित रूप से जो एक व्यवस्थाएँ थी और एक जो आंकड़े थे वो ये बता रहे थे कि मैनपुरी आप जीत जाओगे, पर जो चमत्कार खतौली में दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं 8 महीने पहले चुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी जीत कराई थी, 17 में जीत कराई थी और इस बार हार गई। हालांकि मैनपुरी के बाद खतौली भी आपकी परंपरागत सीट रही है, वहाँ पर बीजेपी 2 ही बार जीती है 17 और 22 में। किस तरह देखते हैं और जिस तरह से यहाँ पर ओमप्रकाश राजभर ने भी कहा है कि 10 साल इंतजार करना पड़ेगा और यहाँ पर कांग्रेस भी अभियान चला रही है, अब सपा क्या करने वाली है भाई, यहाँ पर संजीवनी तो मिली है, और इन बयानों को इन कार्यक्रमों को कैसे देखते? सबसे पहले तो गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से जी मैनपुरी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से जी प्रशासनिक व्यवस्था का को चैलेंज करते हुए प्रशासन के द्वारा तमाम तरीके की नाकाम कोशिशें जो मतदान को रोकने को लेकर के हों, चाहे आम जन मतदाताओं को परेशान करने को लेकर के हो, कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने को लेकर के हो, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मैनपुरी की जनता, वहां के मतदाताओं ने जिस तरीके से प्रशासन के सामने उनके अत्याचार उनके शोषण के खिलाफ सीना तान करके मतदान में हिस्सा लिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो लगभग पिछले कई दशकों से, चाहे माननीय नेताजी के माध्यम से रहा हो, चाहे उससे पूर्व धर्मेंद्र यादव रहे हो, तेज प्रताप जी रहे हो, समाजवादी पार्टी के सांसद, वहाँ के विधायक और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से मैनपुरी अवा उन क्षेत्रों का विकास करने का काम किया गया, उसको देखते हुए आदरणीय नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जी एक प्रचंड जीत और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 288,500 वोटों से लगभग विजय श्री दिलाने का काम किया, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं का, मैनपुरी की जनता का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये वोट किसी एक जात किसी एक मजहब का नहीं था, ये सर्व समाज का वोट था, सबका था। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर यहाँ पर एक माहौल बनाने का प्रयास किया था कि वो इतने यादव और इतने मुसलमान और इसके अलावा बाकी सब भारतीय जनता पार्टी, इस बात को वहां की जनता ने नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने जो इनका माहौल बनाने का प्रयास था इसको विफल करने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सेदारी लेकर के प्रचंड जीत दिलाने दे करके ये साबित करने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली सर्वहारा समाज की पार्टी है और जिसने जो काम किए हैं उसके बदौलत उनको इस तरीके की प्रचंड जीत मिली है और 2024 में इससे बढ़ चढ़ करके और आगे रिकॉर्ड तोड़े। ओमप्रकाश यादव जो पुराने साथी रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं 10 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको, दूरदर्शिता है क्या इनका, नाम अंतर्यामी है, कौन है? मैं तो राम अचल राजभर को जानता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा, राजभर समाज के कैसी बात कर रहे हैं आप, 6 विधायक उनके आपके साथी रहे हैं, गल में गैया डाल के यहाँ पर प्रचार किया गया है, हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के प्रचार किया गया है, आप क्या जानते नहीं उसको, नेता कैसा कर रहे हैं? अच्छा, जो कभी अपनी दम पर अच्छा एक चुनाव जीते अच्छा और फिर वो आसमान की तरफ मुंह करके थूके, अच्छा तो थोड़ा सा ठीक लगता यार, है। कैसी बात करें दर भाई, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। ये वो नेता है जिनको अभी 2 उपचुनाव हुए, उदाहरण विधानसभा नंबर आएगा, अभी आपका नंबर आएगा,
सवाल में नंबर आएगा पहला राउंड में जवाब। अच्छा अभी आएगा आएगा बोल जवाब दे दीजिए। पानी पी लो तब तक पानी पी लो। वोट मांगे मुलायम सिंह के नाम पर। पानी पी लो बताते हैं हमें अभी अभी एंकर महोदय के जवाब दे लेने। सवाल भाई फिर जवाब पहला राउंड सुन लीजिए। अभी आएगा नंबर जी बोलो बोलिए बोलिए। तो एक तो ओम प्रकाश राजभर की जो आप बात कर रहे हो अभी तीन उपचुनाव उत्तर प्रदेश में थे मैनपुरी खमौली रामपुर। मैनपुरी में तो अपना पर्चा भी नहीं बचा पाए। अच्छा खारिज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो हाजिरी करने का अपना तरीका था उनसे अपना माफी मांग लिया। हाजिरी थी उनकी। हाँ वो हाजिरी थी। और रामपुर और खतौली रामपुर में उनको कितना वोट मिला है 168। अच्छा इसको गिनती नहीं की जो तमाम निर्दलीय लोग पर्चा भर देते हैं। वोटिंग भी तो कम हुई है वहाँ पर। अरे मैं बता तो रहा हूँ जितने निर्दलीय लोग पर्चा भर देते हैं तो उनको भी गलती से जो बटन दब जाती है वो 168 में कुछ आएगा 1% भी नहीं मिला। अच्छा और खतौली के अंदर इनको 1800 समझ रहे ना जहाँ 1,80,000 वोट पड़ा है उसमें 1800 मतलब 1% की हिस्सेदारी। अच्छा ऐसे लोगों की बात कर और इसके बाद जिस तरीके की बातें कर रहे हैं नफरत तो ये मानसिक दिवालियापन है। उनको कहीं इलाज अच्छे अस्पताल में करवाना चाहिए। अच्छा और यही सलाह है अभी इतना विकृत होने की जरूरत नहीं है। और रही बात उनके 10 साल की हम उस बात का स्वागत करते हैं कि 5 साल पीछे जो 6वां साल है 4 साल बाद हम ही आने वाले हैं इसके लिए उनको मुबारकबाद। क्या बात है क्या बात। हमारे 10 साल छोटा सा कमेंट कांग्रेस पे भी कर दीजिए। अभियान चला रही है यहाँ पर यात्रा यहाँ पर ऐसी निकली जा रही है। इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाएगी 26 जनवरी से। आप भी कोई अभियान चलाएंगी क्या? निश्चित रूप से हम लोगों ने तो घर जोड़ो अभियान चालू कर दिया है। अच्छा और समाजवादी पार्टी का घर जोड़ो अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक परिवार को एक एक घर को जोड़ करके ये बताने का काम करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती लोगों के घरों को तोड़ने का काम करती है लोगों को परिवार में विघटन फैलाने का काम करती है इसको अपने आप को अगर बचा के रखना समाज को बचा के रखना परिवारों को। अच्छा कांग्रेस से नहीं बोलते आप? भारतीय जनता पार्टी को नकार के। अच्छा निधन भाई आप लोग कांग्रेस पर नहीं बोलते क्या बात है? अंदर ही अंदर जो है व्यवस्था है क्या? नहीं कांग्रेस को क्या बोलना है। अच्छा राहुल गांधी जी देश जोड़ने निकले हैं स्वागत है बहुत अच्छी बात है कोई ऐसा भी तो सकारात्मक राजनीति की पहल करे। अच्छा कोई भी राजनीतिक दल हो देखिए हमारी वैचारिक लड़ाई किसी से हो सकती है। अच्छा पुराना यारा ना यार आ गया। कोई सकारात्मक लड़ाई लड़ेगा तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल भाई अब आपका टर्न है आप बोल सकते हैं बोलिए। बड़ा आपको नाराजगी थी बोलिए भाई यहाँ पर अगर नितिन भाई बोले हैं मतलब सुभाष बाबा बोल रहे थे आप पर नहीं बोल रहे थे आपको क्यों नाराजगी क्यों हुई? क्या क्या गठबंधन हो गया क्या अंदर ही अंदर? सूचना नहीं आई मेरे पास अभी तक जी। देखिए भाई साहब मुस्कुरा रहा है आपकी बात पर जी। ये नहीं नहीं मुस्कुराएंगे तो ही है। अच्छा देखिए जो इनका एक तो ये अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। अच्छा ये जो चुनाव के ऐसे आए थपथपाएंगे भाई जी नहीं वही तो मैं अपने अपना स्वयं थपथपा रहे हैं कि मैनपुरी का जो चुनाव है इनका उसपे इन्होंने समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी के नाम पर या किसी और के नाम पर इन्होंने वोट नहीं मांगा। अच्छा वोट मांगा किसके नाम पर? नेताजी मुलायम सिंह के नाम। तो नहीं नहीं पार्टी के थे अलग थोड़ी थे। पीठ नहीं नहीं पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। अच्छा पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। और खतौली का चुनाव देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रही। अच्छा भारतीय जनता पार्टी की एक सीट थी हमने इनके दिग्गज नेता आजम खान बाबर को पटकनी दी। फिर बाबर बोल दिया समझ रहे और नहीं बाबर है तो बाबर बोल रहे ना उनकी विचारधारा बाबर वाली है। अच्छा आजमगढ़ मुलायम सिंह का गढ़ है समाजवादी पार्टी का गढ़ वो गढ़ खत्म हो गया। अच्छा रही बात इनका जो मैनपुरी का चुनाव है वो भी आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी का गढ़ खत्म हो गया और संपत्ति के नाम पर जो वोट मिला वो बहुत ज्यादा मिल गया। ये वही लोग हैं जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी अस्थियों की इतने कलश बनाए थे इतनी अस्थियां शरीर में नहीं होती हैं ये वही लोग हैं। सूप बोले तो सूप बोले चलनी बोल रहे जिसे बात कर चें क्या बलात्कारियों की पार्टी पाखंडियों की पार्टी के प्रवक्ता आकर किस तरीके की भाषा बोलते हैं। अच्छा और जो मैं बोलता हूँ क्या बलात्कारियों की पार्टी पाखंडियों की पार्टी गांधी के हत्यारों की पार्टी अब ये हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये बंटी बबली का जो प्रदर्शन हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। क्या जनता जानती है कौन बंटी बबली प्रदर्शन बोल रहा है? कांग्रेस पे बोल रहा है क्या? कांग्रेस पर बंटी
जी अरे क्या भाई भाषा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोग रहे पूर्व भाई दो तो है ना, दो तो है ना, क्या दिक्कत है, कभी दस को राज किया भाई पहले तो पहले भारत जोड़ो अब हाथ जोड़ो अच्छा उसके बाद चलेंगे ये पैर पकड़ो यात्रा अच्छा पैर पकड़ो यात्रा ये सारी यात्राएं अभी चलाएंगे फिर चलाएंगे जूता पोछो यात्रा ये अच्छा। सारी यात्राएं कांग्रेस करेगी लेकिन 24 मई का कुछ हाल होने वाला नहीं है अच्छा। क्योंकि 24 का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के ब्रांड है और भारत का एक चेहरा है जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होता है। आपको पुरानी बात याद आ गई जब आपके एक नेता देश के बड़े नेता और संवैधानिक पदों से आने से पहले मंदिर के बाहर से चप्पल चुराया करते थे उनको बड़े अच्छे अच्छे कपड़े छोड़ दीजिए अभी हम बताएंगे कि चंबल घाटी के डकैतों के साथ कौन कौन मिला रहता था आपकी पार्टी के नेता अभी नाम गिनाना शुरू करेंगे अभी नाम गिनाना शुरू करेंगे अभी भाग खड़े होंगे अभी आप भाग खड़े होंगे अभी आपका बीपी हाई हो जाएगा तैयारी करके आ गई तैयारी करके आपके खिलाफ ठीक है ठीक है हो गया और मैं और मान भी है जनता ने नकार बोलिएगा ठीक है हो गया प्रदीप भाई भाई यहाँ पर नितिन भाई तो कुछ नहीं कहा पर सपा भाई बोल रहे हैं बंटी बबरी नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं हाथ जोड़ो यात्रा फिर बोलेंगे पैर पकड़ो यात्रा भाई आपकी यात्राओं से दिक्कत हो रही क्या इनको समस्या आ रही क्या दर्द हो रहा है क्या देखिए देश में हाँ आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं समझना पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा की वर्तमान में प्रदीप जी भारत टूटा कब था अरे सुन लीजिए भारत टूटा था तब तक प्रदीप जी मैंने गौरव जी मुझे पता नहीं था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फवाद हुसैन बैठे हुए हैं वरना मैं पक्का है कि इस डिबेट में नहीं पहला राउंड हो जाने दीजिए दूसरे राउंड में आप लोग बोल सकते हैं पहला राउंड सबको बोलने का मौका दीजिए प्लीज नहीं डिबेट का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि पहले राउंड में जो जीता है वो बोले आदमी अभी ये मौका मिलेगा पहला मौका मिलेगा मौका नहीं जवाब देना पड़ेगा जवाब देगा आपको जवाब दीजिएगा बिल्कुल दीजिएगा भारत तोड़ो यात्रा किसके राज में हुई चलो ठीक है पाकिस्तान किसके ठीक है समझ भाई आपका हो गया किस समय टूटा आपका टर्न हो गया सर नहीं आपका टर्न हो गया प्रदीप बोलेंगे दूसरे राउंड में आप लोग बोलिए कोई सुने चलिए प्रदीप बोलिए बात पूरी करिए देखिए मैं अभी वही आपसे बोल रहा था मैं पर्सनल ना जा करके जो बोल रहे हैं वो बोलते रहें इनकी अपना इनका दिमाग है इनका संतुलन है
बिगड़ा हुआ है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको पता ही नहीं है कि डिबेट का क्या माध्यम होता है, किस तरीके से डिबेट की जाती है, आ करके बैठ करके हो हल्ला मचा करके चिल्ला करके अपनी बात को कहना, क्या डिबेट है भाई? अगर आपको पता ही नहीं है, पहले जा करके अपने नेताओं और अपने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करिए कि पहला राउंड किसी को बोलने देना चाहिए कि पहले राउंड में ही आते ही शोर शराबा करना चाहिए। मैं बोल रहा था कि आज देश में वर्तमान परिस्थिति में क्यों जरूरत पड़ी राहुल गांधी जी को सड़कों पे उतरने की और भारत जोड़ो यात्रा करने की। अच्छा। क्यों जरूरत पड़ी? भारत जोड़ो का नाम ना लीजिए, सड़कों पर उतरने का नाम लीजिए। अच्छा। आप कहिए सड़कों पर उतरे बात पड़ी लोगे भाई, भाई गजब किस्म के जाहिल इंसान हो यार। अपनी चाहिए का कितने बार परिचय हो चुका है भाई, भारत जोड़ो का नाम ना लीजिए। आपको तहजीब आपने भारत तोड़ो का काम किया है, भारत जोड़ो सब जान चुके हैं सरकार भाई, बंद करो। अभिव्यक्ति का अधिकार है हिंदुस्तान में, मौलिक अधिकार है, बोल सकते हैं भाई, बोलने दीजिए सबको अधिकार। मौलिक अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है, मेरा अधिकार हम ही रहेंगे अभी नहीं, सेकंड ऑर्डर बोलेगा पूरा अधिकार नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ने का काम किया है, इसको शऊर नहीं बात करने का, इसको क्यों बिठा लेते हैं आप भाई? अरे शऊर आपको नहीं है, जाहिल कहेगा परले दर्जे। आप उनको पदयात्रा कहिए, राहुल जी की पदयात्रा कहिए, लेकिन भारत को यार तुम बहुत हैजा है बोलने का, दूसरों को बोलने दो। ये तुम क्या करोगे, क्या कौन सी यात्रा कौन नाम देगा? ठीक है ठीक है ठीक है, सफर में बिल्कुल तय करूंगा। कोई राष्ट्रीय पार्टी कोई राष्ट्रीय नेतृत्व क्या है? मेरा समिति दाखिल करो, मेरा खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे प्रदीप तिवारी की बात लेने दीजिए भाई, मौका दूंगा आपको बोलने का, पूरा मौका मिलेगा, प्लीज पूरी बात होने दीजिए। लेकिन सही बोले, भारत जोड़ो नहीं, भारत उनके कार्यक्रम का नाम है भाई, वो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये कौन सी बात है बिल्कुल नहीं बोलेगा हमें, इनकी आवाज बंद करिए गौरव भाई यार, ये तो बदतमीजी है, खामा खा के यार दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते हैं। इतने बड़ा आवाज बंद कर इतना बढ़िया विकास का नारा बंद कर दीजिए, तुम लोग जाहिल लोग हो, आज से तुम ये 20-80 की बात करते हो और सबका साथ विकास की बात कैसे करते हो? आज से तुम्हारा प्रचार बंद हो जाना चाहिए, आज से नाम मत लेना सबका साथ सबका विकास की, तुम तय करोगे कौन बोलेगा क्या बोलेगा? सबका विश्वास कौन सी पार्टी क्या मुद्दा तय करेगी? चले ठीक है प्रदीप भाई, तुम लोग ये असली तुम लोग असली टुकड़ा करने वाले लोग ठीक है, अभी मौका दूंगा आपको, प्रदीप भाई पूरी करिए बोलिए जी, बोले दीजिए भाई जी। अब मैं फिर वही बात स्टार्ट करूंगा, बोले बोले कोई और आप बोलते रहो प्रदीप भाई, आप इसकी सुनो नहीं, आप बोलते रहो, वो अपनी बात को फिर बीच में ले आएंगे, इस तरीके की डिबेट पसंद नहीं है। सेकंड राउंड में आपको जो कहना है कहिए, चिल्ली कुइयां मचाइए। मैं बोल रहा हूँ जो राहुल गांधी जी निकले हैं सड़कों पे पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आने की जरूरत, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, चुप कर, भारत तोड़ो यात्रा देखिए, अब मैं आपको सफात हुसैन जवाब देता हूँ, जब आप कहते हैं कि महिलाओं पे हुआ बहुत अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, और फिर आप क्या लाते हैं
आप कहते हैं क्यों ना करनी पड़े यात्रा, आपकी नाकामियों की वजह से आज राहुल गांधी को सड़कों पे उतरना पड़ा है। इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, मगर आप जैसे लोग जब चाहते हैं कि इस तरीके का जवाब दिया जाए तब आपको जवाब देना पड़ता है। आपने क्यों देश में सुशासन नहीं लाया बताइए, कहां गई वो महंगाई की मार वाली, क्यों नहीं आज 400 का सिलेंडर मिल रहा है बताइए, 400 का सिलेंडर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं आप, नहीं बताएंगे। आप एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने वाला मुख्यमंत्री 80-20 की बात करता है देश में, और भारत नहीं टूटेगा, भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है। शमशान कब्रिस्तान ये लाएंगे। कांग्रेस ने भारत माता के टुकड़े किए, इसको स्वीकार करिए और बोलिए ये पप्पू की पदयात्रा से काम नहीं चलेगा। ये शब्दावली नहीं भाई, तड़ी पार की यात्रा से काम चलेगा। तड़ी पार ने एक जस्टिस को मरवा दिया, वो भारत के गृह मंत्री है ना, भारत के गृह मंत्री है, गृह मंत्री है, भारत के गृह मंत्री है, बताया आपको, भारत के गृह मंत्री है, हमने तो तड़ी पार कहा, भारत के गृह मंत्री है, पता चला कि गृह मंत्री है वो। अच्छा आप जानते हैं ना भाई, आप जनता ने चुनके भेजा है, जनता ने चुनके भेजा है, पप्पू को सत्ता से बाहर कर दिया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, उसी जनता ने चुनके भेजा है, फिर जनता ने कांग्रेस को निकाल कर बाहर कर दिया सत्ता से, उसी कांग्रेस को, उसी जनता ने, आपको कैसे पता, उसी जनता ने, आदरणीय आदरणीय अमित शाह जी को सदन में भेज कर भारत का गृह मंत्री बनाया है, जिस जनता ने आपको निकाल कर बाहर कर दिया, आपकी नाकामियों को देखकर, आपके दौर में जो भागलपुर मरियाना में जो दंगे हुए, जो मुसलमानों ने आपको नकार दिया, मुस्लिम समाज आपसे दूर कर चला गया, आज आपको सड़कों पर टहलना चल रहा है, आज आपके राजकुमार को सड़कों पर टहलना पड़ रहा है, पद यात्रा चलनी पड़ती है, हाथ जोड़ो यात्रा, पैर पकड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, पैर पकड़ो यात्रा, उसके बाद में आएगा कि झूठा साजिश करो यात्रा, किसी तरह सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सत्ता की लालच आज सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, सत्ता की लालच के तहत आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आपने सड़कों पर उतरेंगे, देश के प्रधानमंत्री बंटी रवनी की यात्रा काम नहीं करेगी, प्रधानमंत्री ने सर नीचा कर दिया, ये देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनता, भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे चल रही है, ये आरोपी 24 में भी बताएगी, जिस तरह 14 में बताया, जिस तरह 19 में जवाब दिया, उसी तरह 24 में भारत की जनता जवाब देगी, और जो दो सीटें उत्तर प्रदेश में है यही दो सीटें अब आपको भारत के अंदर मिलने वाली है। आप तो इसी एक सीट से निकल के आए हैं, अपने ही नेता की कविता भूल जाते हैं जो उन्होंने सुनाई थी, हार बार बार हार पे सुनाई कविता, तो भूल गए ना, याद अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा करने से काम नहीं चलता है, आज हम सत्ता से बाहर हैं, एक बार सदन से आप बाहर होंगे, अरे कांग्रेस भूख भारत होगा, कांग्रेस भूख भारत का काम होगा, जिन्हें अस्थियों को ले लेकर के प्रचार किया, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पकड़े, कुछ नहीं दिख लो, सभ्यता नाम की कोई चीज तो दिखो, ठीक है लेकिन तुम्हारे साथ के माथे मार बैठने से बात नहीं है, आपको तमीज नहीं है बात करने की, अभी तक आपको लोग अंतिम के लोग जाहिल बताते थे, आज मुझे समझ में आ गया कि तुम बहुत बड़े जाहिल इंसान हो, अपनी मर्यादा खोनी पड़ती है तुम्हारे साथ बैठ करके, ठीक है ठीक है ठीक है, दयाराम भाई तुम्हारे साथ बैठना अपनी जुबान को गंदी करना, ठीक है दयाराम भाई, जवान वैसा ही गंदी है आपकी, जवान क्या गंदी करोगे, दयाराम भाई कीचड़ से सत्ता कीचड़ का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, पता नहीं आपको कीचड़ दबाने के लिए हिंदू मुसलमानों के दंगे कराए, मुरादाबाद में ईदगाह की मस्जिद में गोलियां चलवाने का काम कांग्रेस ने किया, मुरादाबाद में ईद के दिन मुसलमानों को गोलियां चलवाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस हत्यारे सरकार है, इसीलिए इसको श्राप लगा है, कांग्रेस मुक्त भारत, भारत की जनता का एक आवाज है, ठीक है हो गया हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत, समर भाई हो गया हो गया हो गया, अपने मुक्त भारत अपनी ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, हिमाचल में थे मुक्त करते करते ऊर्जा व्यक्त नहीं हो रही है, ये सारे कैसे मुक्त हो गए, ये सारे भ्रष्टाचारी मिल करके भी समाज को सही आवाज को बंद नहीं कर रहे, ठीक है भारत के कार्यकर्ता, दयाराम भाई, दयाराम भाई प्लीज, ठीक है ठीक है, दयाराम भाई आराम से भजन, ये समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस के अधिकारियों को जीप पर बांध कर टोल रहे हैं, अभी जल्दी भाई प्लीज, उत्तर प्रदेश में समाजवादी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के आवास से गुंडे सरकार चलाया करते थे, ये उसका जवाब है, ठीक है दयाराम भाई बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री हटा, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये बयान देते हैं कि 100 विधायक नए हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठीक है ठीक है, बोल रहे हैं ये बारी बारी बोले, बारी बारी हो चुके हैं, जो
लोग घर में घुसकर चैन स्नैचिंग कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले की वादे किए थे बताइए ना, कौन कौन से वादे पूरे कर दिए? 2 करोड़ रोजगार वाला वादा पूरा हो गया, महंगाई की मार वाला पूरा हो गया, महंगाई में तो आम जनता मरी जा रही है, आम जनता मरी जा रही है। आप देखिए ना, जो कड़वा तेल 60 रुपए में मिलता था 200 रुपए का पहुंचा दिया आपने, आम जनता मरी जा रही है। पेट्रोल के रेट 100 के पार कर दिए, मथुरा की ऐसा नहीं होगा प्लीज। हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा दयाराम भाई भी है। दयाराम भाई, यहाँ पर ओमप्रकाश राजभर हमेशा बयानों चर्चा बने रहते हैं, और नितिन भाई बोल रहे हैं हम तो जानते ही नहीं कौन ओमप्रकाश राजभर है, हम तो रामाचर राजभर को जानते हैं, कहते हम जानते नहीं, वो तो एक सीट योग्य नहीं है, और बयानबाजी देते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, उनको इलाज कराना चाहिए। भाई आप क्यों बयान देते हैं, इस तरह की बातें होती है? पुराना संगठन है, जुड़े हुए थे, गलभियाँ डाल के हेलीकॉप्टर बैठ के प्रचार करने गए थे, मैं स्वयं प्रचार को देखा हूँ, अब यहाँ पर क्या हो गया? अपने ठीक है सलाह आपने दी थी, पर आप इस तरह बयान क्यों, मतलब 10 साल सत्ता में नहीं आएंगे क्या? मतलब जी बदल गई धरती, बदल गए नजारे। अच्छा, और जो सपने देखते हैं वो ख्वाबों में हो गए सारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसके लिए कहा है? समाजवादी पार्टी हाँ। सपनों में जी रही है। अच्छा, उसको यही नहीं पता है कि हम कह क्या रहे। चुनाव हो गया, हाँ। खत्म हो गए मुद्दे, हाँ। अब आइए ना 2024 के लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना निकाय चुनाव, सुन लीजिए, देखिए, हाँ। क्या नाम, गौरव भाई, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मुझे जाना, मैं निकल, पूरा सुन लीजिए। देखिए आप, देश प्रदेश में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है जी? एक देश एक निशान एक संविधान जी। तो क्या हमारे देश में एक अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए? उसमें चर्चा कोई पार्टी नहीं करती है। दूसरी बात, जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के सदन में गरीबों के शिक्षा के सवाल पे, गरीबों के स्वास्थ्य के सवाल पे, और इसके साथ में बिजली के बिल के सवाल पर जब सदन में आवाज उठा रहे थे, यही हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक है ना, वो कहे ठाके लगा रहे थे। अच्छा, तो आप इसको सोचिए कि समाजवादी पार्टी कहां सपनों में खोई हुई है। अच्छा, सपना देख करके कुछ होता है? आप देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, गौरव भाई, 18 दिसंबर 2022 से महिला हक अधिकार रैली करने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये महिला हक अधिकार रैली होगी। अच्छा, महिलाओं का ही सारा कुछ होगा, महिलाओं की हक की बात होगी। अभी आप देखेंगे देश और प्रदेश में जब निकाय चुनाव आता है तो महिलाओं को आरक्षण मिलता है। अच्छा, उसमें चाहे जिला पंचायत का हो, उसमें चाहे चेयरमैन का हो, चाहे सभासद का हो, निगम का हो, पार्षद का हो, या मेयर का हो, या प्रधानी का हो, ब्लॉक का हो, तहसील में जो है, सब में उनको आरक्षण मिलता है 33%। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महिला हक अधिकार रैली के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी नुमाइंदों से ये बताने का काम करेगी कि कम से कम विधानसभा और लोकसभा में भी महिला आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, क्या केवल निकाय चुनाव तक ही महिलाओं को मिलेगा आरक्षण? अच्छा, विधानसभा में 33% अगर आरक्षण हो जाए जी, तो आप उत्तर प्रदेश में, गौरव भाई, 403 विधानसभा है। अच्छा, 33% के आरक्षण से कम हमारी माताएं बहने सदन में महिलाएं रहेंगी, अपनी हक अधिकार जो है लखनऊ के सदन में उठाने का काम करेंगी। अच्छा, इसी तरह उत्तर प्रदेश नहीं तो देश में, देश की बड़ी कुर्ती सांसदी का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, अगर वहां पर भी आरक्षण 33% लागू हो जाए तो कम से कम लोकसभा में भी महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। अच्छा, लेकिन देश की तमाम जो पार्टियां हैं वो केवल तेरा और मेरा में लगा हुआ है। आज जो जनता को क्या चाहिए, चुनाव बीत गया, उपचुनाव
जिसको जो प्रतिफल मिलना था वो मिल गया गौरव भाई। अच्छा। अब सामने निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव की जो चर्चा है वो सबके सब अपने अपनी पार्टियों को तैयार कर रही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे जो बिजली का बिल इतना महंगा है गौरव भाई, उत्तर प्रदेश में इसके सवाल में कोई भी पार्टी बसपा हो कांग्रेस हो कोई भी इस पे चर्चा नहीं कर रहा है, केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो प्रदेश में लोगों की महंगाई बिजली की है उस पे डिबेट कौन करेगा? अच्छा। उस पे क्यों नहीं सवाल सरकार से सवाल किया जाएगा? तो जब सरकार पसमांदा मुस्लिम के अधिकार की बात करेंगे सोचेगी, लेकिन ये पसमांदा मुस्लिम के अधिकार की बात करेंगे भाई, पसमांदा मुस्लिम अधिकार की बात करेंगे। सुपर भाई है बोलने की आदत है जी, बोलने की आदत नहीं है, ये हमेशा मुस्लिम विरोधी बात करते हैं। जमाल भाई कहते हैं, जमाल भाई कहते हैं पसमांदा मुस्लिम अधिकार की बात करेंगे आप, चलिए बोलिए पसमांदा मुस्लिम अधिकार की बात करेंगे। सपार भाई हमारे गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके हमेशा जब बोलता है तो बोलने की उनकी आदत है, हमेशा विरोध करते हैं। बोलिए दारा भाई, बोलिए दूसरी बात, बताइए पसमांदा मुस्लिम अधिकार हमारे देश में, सुन लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई है, हालात बहुत अच्छा, स्वागत समर्थन कर दीजिए हम, अरे जबार भाई प्लीज उनको बोले लखनऊ से मेयर का टिकट पसमांदा मुसलमान को दिया जाए जी, बोलिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, दिया जाए क्यों नहीं दिया जाएगा, पसमांदा मुसलमान को दिया जाए लखनऊ से मेयर का, बोले बोले जबार भाई की बात कर, जबार भाई प्लीज पसमांदा मुसलमान की बात कर लखनऊ से भाई, नितिन भाई, नितिन भाई और की बात पूरी जाना है जी, बोलिए दारा भाई, बोलिए दारा बोलिए बात दूसरी, देखिए गौरव भाई जल्दी बोलिए जी, हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की बात करते हैं, बार बार देखो चुनाव में आना सतत प्रक्रिया है, जो पार्टियां वो चुनाव में आएंगी अपने एजेंडे लेके आएंगी और अपने एजेंडे के साथ में चुनाव में जाती, ठीक है, और हारना जीतना ये सतत प्रक्रिया है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, ठीक है ना, लेकिन अब सवाल जो है हम जनता की बात कर रहे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पे, महंगाई पे बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात करिए, गरीबों का आज प्राइवेट, तो आप बयान दिया करिए ना, आप बयान सपा में क्यों देते हैं भाई, सपा के लोग उनको बयान देते हैं कि नफरत फैलाते हैं, नफरत करते लोग उनको 10 साल नहीं आएंगे, आप बयान इस पे दीजिए ना, महंगाई पर दीजिए, आप समाजवादी पार्टी पे बयान क्यों चला क्यों देते रहते हैं आप लोग भाई, अरे क्रूर सिंह उनको बोल लेना तो भाई, दयाराम भाई को बोल लेने दो, अरे तो बोलने जवाब भी तो दे, मुस्लिम पसमांदा के अधिकार की बात करेंगे, मुस्लिम पसमांदा के अधिकार की बात करेंगे, तुम तो पसमांदा का हिमायती हो, शबाद जी जाहिल शबाद, तुम तो पसमांदा का हिमायती हो, दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री हो, कैबिनेट करवा दो, अबे कैबिनेट करवा दो, तुम तो बहुत बड़े वाले हिमायती हो, कैबिनेट बनवा दो पसमांदा को, कैबिनेट बनवा दो, मेयर का टिकट भी लखनऊ से पसमांदा करवा दो, तुम ले लो, अरे तुम ले लो, भाजपा बहुत बड़ी पसमांदा की हिमायती है, तुम लड़ लो, अरे और तू पैदाइशी बदतमीज है,
चल ठीक है अपनी बात पूरी करिए। हमारे साथ आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार रूप में बैठे हुए हैं। आमिर भाई, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी खतौली हारी है, मैनपुरी हारी है, समीक्षा जरूरी है, साथ ही साथ यहाँ पर हम जिस तरह देख रहे हैं कांग्रेस भी अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा की एक और टुकड़े को व्यवस्था देखा जाए या बजरंग खाबरी गौरव जी भारत जोड़ो नहीं, गौरव जी भारत जोड़ो नहीं, मुझे भारत की जनता को दुखी न करिए, कांग्रेस ने भारत माता के टुकड़े किए, ये स्वीकार करिए, जो देश की जनता ने स्वीकार किया। मुझे डिक्टेट मत करिए प्लीज, मुझे डिक्टेट मत करिए। अमर भाई मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मुझे आप भारत जोड़ो का नाम लीजिए, डिक्टेट कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम किया है, देश की नासत में लड़ाई का काम किया है, देश मुझे बताइए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या है मुझे बताइए मैं क्या बोल रहा हूं, चलाया है मुझे अपन बताइए मुझे क्या बोलना है, मुझे डिक्टेट मत करिए प्लीज। अमर भाई पूरी बात पूरी करिए, बोलिए। बहुत शुक्रिया गौरव जी की आपने इस चर्चा में शामिल करा। देखिए बात बहुत साफ सी है, मैं आपके चैनल पे पहले भी कई बार ये बात कह चुका दोहरा चुका था उपचुनाव को लेकर के कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसलिए कि बिल्कुल सही बात है कि जो नेताजी का कद था तो सिंपैथी ही भाई जाहिर सी बात है सिंपैथी में वोट मिला, जैसे कि गोला गोकरनाथ में उनके बेटे को विधायक की जीत मिली उस पर भी मैंने कहा था कि भाजपा जीतेगी। मैनपुरी में भी मैंने आपके चैनल पर भी और भी चैनलों पर मैंने स्पष्ट करा था कि सपा जीतेगी वहाँ पर, और वजह ये थी साफ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर चुनाव लड़े वो मैनपुरी में नहीं लड़ा जी, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और मैनपुरी में चुनाव वो आजमगढ़ और रामपुर में लड़ा उस तरीके से मैनपुरी में लड़ा, पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने लगा दी, जो ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहिए समाजवादी पार्टी ने लड़ा, जिसे कहते हैं चुनाव लड़ना। अच्छा, और समाजवादी पार्टी ने दमखम भी दिखाया, इसीलिए प्रचंड बहुमत से जीत कराए, डिंपल जीती। बिल्कुल सही बात है, मेरा साधुवाद है डिंपल जी को जी। देखिए बात मुद्दों की हो रही थी, नगर निकाय चुनाव की, भारत जोड़ो यात्रा की। देखिए गौरव जी भारत जोड़ो यात्रा जी, कोई भी यात्रा का नाम रख लिया था, अभी जिस तरीके की हमारे भाजपा प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे कि वो भारत तोड़ो की बात कर रहे थे, तो मैं पूछ रहा हूँ 89 में जब सरकार बढ़िया बन गई थी जनता दल और भाजपा की मिलके, तो अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले थे, ये क्या था रथ यात्रा? जिस तरीके से ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो रथ यात्रा थी, और रथ यात्रा से राम जन्मभूमि को मुक्त कराना था। अबे चुप हो जा, भूमि को मुक्त कराना था। कितनी बार गया तू वहां करने की पूजा बता दे पहले, कितनी बार मैं तेरे बीच में बोला था, कितनी बार गया पूजा करने, कितनी बार गया पूजा करने, अरे पुजारी कितनी बार गया पूजा करने, बोलने में नहीं कहता है, कितनी बार गया तू बता पहले, कितनी बार गया पूजा करने, बता कितनी बार गया पूजा करने, अरे बता कितनी बार गया पूजा करने, अरे बता कितनी बार पूजा करने, बता दो अबे तू जाहिल है, तू जाहिल है, करने दर्शन में जाहिल है, फर्जी डिग्री गंदगी की पैदाइश,
गंदगी की पैदाइश, फर्जी डिग्री गंदगी की पैदाइश, फर्जी डिग्री गंदगी की पैदाइश, फर्जी डिग्री गंदगी हो गया, 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 किसी को पर्सनल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, गंदगी पैदा हुई डिग्री वाला आदमी है, नहीं गंदगी की पैदा, गौरव जी ये गंदगी में पैदा हुए भाई, आप लोग अपने अपने ऊपर कितने डाल रहे हो, मुझे कोई कम नहीं है, ये आप लोग अपने अपने व्यवसाय दिखा रहे हो, तुम्हारा ब्लड बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारा ब्लड बोल रहा है, फर्जी डिग्री गंदगी का ब्लड क्या, वो ब्लड बोल रहा है, ये आवाज नहीं है, तुम्हारा ब्लड गंदगी का बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, जाहिल फर्जी भाई, और गंदगी की पैदा, समय हो गया, समय हो गया, समय कम है, चल ठीक है, मुद्दे पे आई, मुद्दे पे आई, नितिन भाई, नितिन भाई, दयाराम भाई कुछ बोल रहे थे आपके लिए, सपने देख रहे हैं आप लोग, गाना गाया था उन्होंने तो, दो लाइन का आपके लिए, नहीं बहुत अच्छी बात है, दूसरे दयाराम भाई अच्छे व्यक्ति हैं, गाना गाना चाहिए, दयाराम भाई अच्छे व्यक्ति हैं, बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे थे, आप उनको जानते हैं, इनको जानते हैं, आप सामने बैठे हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा, दयाराम भाई को मैं जान रहा हूँ, इनको इनको ये बात जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम सिखानी चाहिए, जितनी अच्छी अच्छी बातें ये बोल रहे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं, अच्छा, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडो को, नफरत वाले को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और रही बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझा दीजिए, अबे चुप, आप भी अपने राष्ट्रीय, तुमको जवाब दे रहा हूँ, विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, समझा दीजिए, आपकी बात नहीं कर रहे, वो सफात, मुझे लग रहा है तुमको बहुत अच्छी अच्छी गालियां दूंगा, अब तुमको भूल लग के अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सफात ज्ञानी 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे, अच्छा क्यों शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में, यह टीपू सुल्तान की हताशा है, महाराष्ट्र टीपू सुल्तान की हताशा है, ये महाराष्ट्र में क्या था, हताशा है, हताशा नहीं थी, वो हताशा नहीं थी, वो निराशा नहीं थी, वो पाखंड नहीं था, वो चोरी नहीं थी, वो कपट नहीं था, ये हताशा है, ये राजनीतिक दिवालियापन है, ये राजनीतिक दिवालियापन है, ये राजनीतिक दिवालियापन है, आज 100 विधायक लाओ, मंत्री बनाएंगे, ये राजनीतिक दिवालियापन है, कीचड़ भरा है, राजनीतिक दिवालियापन है, ये तुम्हारे जैसे राजनीतिक दिवालियापन है भैया, उसको समझो, उसका इलाज कराओ, नतीजे ले जाओ, पता नहीं है, तुम इसी आओ, इस स्वयं की पार्टी के विधायक नहीं जीतेंगे, इस्तेमाल किया जाए, स्वयं की पार्टी के विधायक नहीं जीतेंगे, तुम्हें कह रहे आप लोग, आप होते तो तुमको आज खरीद फरो, खरीद फरो, सौ विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये राजनीतिक दिवाली हो नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के लोग नहीं होते, ये भाजपा में भारतीय जनता पार्टी, कम से कम बात करने का सलीका तो सिखाया जाता है, तुम्हें लगता है संघ में जाकर के ध्वज प्रणाम, नहीं नहीं जो जैसा होता है उसी तरीके से बात की जाती है, वहाँ तुम्हें सीओ को जीप पर बात कर चलाने वालों, हमारे साथ में आप प्रसंग, एक पुलिस के अधिकारी को जीप पर बैठाने वालों, सलीके की बात करोगे, एक सीओ स्तर के अधिकारी को जीप पर बात कर चलाते थे भूल गए, एक सीओ स्तर के अधिकारी को जीप पे बात करते हैं, भूल गए, सलीके की बात करते हो, एसएस के कैंप में जाते हो, सलीके की बात करते हो, हजरत सहारागंज के सामने अधिकारी को आपके कार्यकर्ता जीप पर बात करते हैं, सलीके की बात करते हो, और सलीका बताए, जवाब देना चूंकि मेरा फर्ज भी है तुम्हारे जैसे जाहिल लोगों को, अच्छा तुम्हारे जैसे, जवाब दीजिए, हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, ये राजनीतिक दिवालियापन है, तुम्हारे नेताओं पर किसी बात नहीं है, राजनीतिक दिवालियापन बात करोगे ना, मुद्दों चल
ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, प्रदीप भाई बोलेंगे। राजनीतिक दिवालिया पर, राजनीतिक दिवालिया पर पार्टी के नेता के रूप में हमारे सामने सफात हुसैन जी बैठे हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा किस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं, इसका ये असर इस वजह से है, ये असर इस वजह से है क्योंकि अभी तीन राज्यों में रिसेंटली दर्द है जो चेहरे से भी दिख रहा है, और वो बौखलाहट भी है कि लगातार बोले जा रहे हैं, सुनना नहीं है, सुनेंगे तो हम किसी के लिए, इन्होंने मोदी जी से सीख लिया है कि हम सिर्फ अपने मन की कहते रहेंगे, हमें सुनना नहीं है। वो अब जैसे आप देख रहे हैं तथाकथित कुछ मीडिया चैनल तो ऐसे हैं जिनको बोलने नहीं दिया जाता, आज तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि आपके ऊपर भी कह रहे नहीं आपको ये शब्द बोलना ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख के दे वही बोले, वही मीडिया काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं आती कि मीडिया स्वच्छंद होकर के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता या लेकर के टॉप से लेकर बॉटम तक की आप कार्यकर्ता तक जाएंगे तो वो ये चाहते हैं कि हमेशा आप मोदी जी की तारीफ करते रहिए, हमेशा तड़ी पार की तारीफ करते रहिए, आप कभी भी कोई भी उनके विरुद्ध वो अभी वो तो समझ गए थे, मैंने तो तड़ी पार बोला, सफात भाई वो समझ गए, उन्होंने तो गृहमंत्री बोल दिया, अब हम क्या कहें, हमने तो तड़ी पार ही बोला था, अब उन्होंने समझ लिया गृहमंत्री, वो इनकी दिक्कत है, मैं नहीं समझ सकता। गौरव भाई यहां ये है, बाकी ये। मैं अभी सुभाषपा के प्रवक्ता से एक चीज में तो सहमत हूँ कि जो मुद्दे की बात है, महंगाई की बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, महिला उत्पीड़न की बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के सकारात्मक रूप से चर्चा सोचना चाहिए कि क्यों आज महंगाई को नहीं हटा पाए, क्यों बेरोजगारी को नहीं हटा पाए, आज भारतीय जनता पार्टी को इतना दुश्मन माना चाहिए कि एक बेरोजगार सड़कों पे उतरता है और आप उसकी आपकी पुलिस उसको डंडों से पीटती है, आप रोजगार नहीं देते, रोजगार देने के नाम पर आप अग्निपथ योजना लेकर के चले आते हैं, ठेके ठेके भ्रष्टाचार चालू करते हैं आप। एपी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर यही है, भारतीय जनता पार्टी एक ठेका प्रथा लेकर के आई है और कांग्रेस पार्टी जो ओपीएस सिस्टम है उसको लेकर के जा रही है। अभी नहीं आप देखेंगे, अभी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में भी हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी हटाना, महंगाई हटाना, मंदिर की जरूरत क्या पड़ी भारत तोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, क्या दिक्कत है ओपीएस से आप सहमत, भारत तोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बंटी बबली की यात्रा, बंटी बबली की यात्रा सिलेंडर में उत्तर प्रदेश में आएगी, ये बंटी बबली की यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, बढ़ गई रोजगार नहीं मिलना चाहिए, बंटी बबली की भारत जोड़ो उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा आएगी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा क्यों बोल रहे हैं आप इसको जी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा क्यों बोल रहे हैं आप कांग्रेस की जी? देखिए प्रदीप जी, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आपको पता है भारत माता के टुकड़े किसके राज में हुए? अच्छा, भारत माता के जो टुकड़े किए उससे पूरा देश हताश है, क्योंकि 15 लाख लोग बेरोजगार मरे थे और 50 लाख लोग उस वक्त दंगे में मरे थे, ये भारत तोड़ो यात्रा है, और जब से कांग्रेस 70 साल जब तक इस सत्ता में रही इस बीच भारत के अंदर दंगों का जवाब कुछ नहीं हुआ, भागलपुर मेरठ मुरादाबाद, भागलपुर हरियाणा मेरठ मुरादाबाद, भागलपुर हरियाणा मेरठ मुरादाबाद, भागलपुर हरियाणा मेरठ मुरादाबाद, ये कांग्रेस की बड़ी बड़ी मूर्ति लगाई है और दूसरी तरफ उनकी स्वापित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता बैठ करके उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं, जिस तरह से सिक्कों का नरसंहार किया गया सरकार थी उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं, ठीक है हो गया, जनता जो है ज्यादा दिनों तक ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में ठीक है वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, आपको इस देश की जनता
चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया हो गया, गरीबों वालों की जय, चलो ठीक है, ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चर्चा तो यहाँ पर थी कुछ और मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर चली गई पर्सनल, और लोगों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए, और ऐसे कटाक्ष किए जिनकी मर्यादा शायद नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे शब्दों का उपयोग ना करिए किससे डिबेट की मर्यादा, मानव धर्म की मर्यादा, भारतीय राजनीति की मर्यादा खंडित हो, क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए धरातल पर भी और सामने भी। पर जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से यहाँ पर मुद्दे से भटक कर केवल आपसी मतभेद को यहाँ पर उजागर किया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये बात भी देखने वाली है कि अगर इस तरह से व्यवस्थाएं करते रहेंगे तो आने वाले समय में नुकसान आपकी पार्टी को ही होगा और आपको भी, क्योंकि आप अगर अपने आप को भी दिखाते हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपनी वाणी पर बयान रखिए और कम से कम ऐसे शब्दों का उपयोग करिए जिससे आने वाले समय में मुद्दा ही बन के रहे, मुद्दा विहीन ना हो। कहा जाता है ना कि हवाएं ही करती है रोशनी का फैसला, हवाएं ही करती है रोशनी का फैसला, और जो इसमें दम होगा वही दिया रोशन करेगा इस समा को। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।